إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد سورة البقرة في آيت نمبر 46 تک ہم نے پڑھا تھا आज हम आयत नंबर 47 सेवन से शुरू करेंगे अल्लाह सुबह नह ती तर फरमा रहे हैं बनी इसराइल का याकूब सलाम की औलाद और अल्लाह सुबह ना ने उन पे जो नमतें कि उनका अल्लाह सुबहान तज़क़रा फरमा रहे हैं पिछले एक रुकू से अल्लाह सुबहानahu wa taala फरमाते हैं या बनी इस्राइल अधिकूरु नियमत यल्लती अनामतू आलिकुम आ बनु इस्राइल आ याकूब वाले हिस्सलाम की औलाद तुम अल्लाह की वो नेमतें अल्लाह सुबहानahu taala उनसे मुखात्तब हैं अल्लाह सुबहानahu taala फरमाते हैं कि मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पे की व अनी फल तो कुमालमीन और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी तो उम्मत मुसलमा से पहले अल्लाह ना ने ये फजीलत और ये इज्ज़त बनु इसराइल को दी कि तमाम जो लोग थे उन पे अल्लाह सुबहान तक फजीलत दी और इन्हें चुना गया और अल्लाह सुबहान ते हर तरह की नमत की जिसका आगे बयान भी आएगा उनमें नेमतों में से एक नेमत भी है कि अल्लाह सुबहान पैदर पे इनमें अंबिया भेजे और इनको बाकियों पे फजीलत दी ये भी अल्लाह सुबहान नेमत है लेकिन इन्होंने उस नेमत की नशिक्री की और उन्होंने नाशुक् कैसे की नाफरमानी कैसे की कुफर शिरक में किस तरह मुबतला हुए किस तरह आयात इलाही का इनकार किया या उसका मजाक उड़ाया इसकी तफसील आगे आएगी जिसमें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी नसीहत है अल्लाह सुबहान आयत में अपनी नेमत का तजकरा करने के बाद अगली आयत में फरमाते हैं व तकु यूम नफ्सुन तजी नफसन नया क्या बनु इसराइल उस दिन से डरो यानी क्यामत के दिन से डरो ला तफस उस दिन कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को फायदा नहीं पहुँचा सकेगा वाला यु कबलो मिना शफाआ और किसी की भी सफारश कबूल नहीं की जाएगी वाला यु उदो मिन और ना ही कोई शख्स बदला दे के या कोई जुर्माना अदा करके छूट सकेगा ये भी नहीं होगा कि कोई अपने बदले में कोई चीज़ दे दे कोई दौलत दे दे कोई और जो इसबाब हैं उनको इस्तेमाल कर ले और उसकी जान छूट जाए तो वहाँ बदले वाला फिदिए वाला मामला नहीं होगा वाला हम सरून और ना ही उस दिन जो लोग वहाँ पे मौजूद हो होंगे ना ही उनकी मदद की जाएगी यानी उनका कोई मददगार नहीं होगा इस आयत में अल्लाह सुबहान सारी जो इंसानों के तोहमत हैं जो उनके ऐसी सोच है कि क़यामत के दिन से उन्हें बेखौफ कर देने वाली है उसकी नफी अल्लाह सुबहान तरमा रहे हैं कि अल्लाह सुबहान तयामत के दिन की ये हौलनाकी बयान कर रहे हैं कि उस दिन कोई किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकता फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता और इसी तरह यहाँ अल्लाह सुबह ने शफात की और सफारश की नफी की और ये किस शफात और सफारश की नफी है कि ये सोचना कि किसी का अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है और अल्लाह उसकी बात टाल नहीं सकता या नऊज अल्लाह मजबूर होगा कि फलां फला शख्स की शफात को कबूल करे ऐसा मामला नहीं है ऐसी शफात का वजूद नहीं शफात तो सिर्फ उस शख्स के हक में हो सकेगी जिसको अल्लाह सुबहाना खुद चुनेंगे सिफारिश करने वाले को भी जिसके हक में की जा रही है उसको भी और किस मौके पे सिफारिश करनी है वो मौका भी सारी चीजें अल्लाह सुबहाना की तरफ से चुनी जाएंगी इसलिए इस वहम में रहना के मेरा मुर्शद या फला वली या फलां नेक बंदा वो मेरी सिफारिश करेगा और मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं मुझे अमल की जरूरत नहीं या मुझे जो है वो शरीयत पे अमल करने की जरूरत नहीं या मुझे डरने की जरूरत नहीं अल्लाह से और क़यामत के दिन से ये बातिल तस्वुरात हैं ये गलत अकायद हैं इनकी नफी अल्लाह सुबहान यहाँ पे फरमा रहे हैं और इसी तरह फरमाया के किसी से कोई बदला भी नहीं लिया जाएगा इस चीज़ के इवज के वो कोई बदला दे दे और उसकी जान छूट जाए अल्लाह सुबहान तै ने कुरान पाक में और जगहों पर भी इसका बयान किया है कि इंसान की तो कोशिश होगी कि अपने माँ बाप रिश्तेदार बच्चे सारी दुनिया की दौलत दे दे और उसकी जान छूट जाए लेकिन उस दिन चाहे कोई बंदा जमीन व आसमान के खजाने भर के भी छूटना चाहे कि बदले में ये ले लो और मेरी जान छोड़ दो तो उसकी जान इस तरह से वहां से छूटने वाली नहीं तो अल्लाह सुबहान तरमा रहे हैं कि बनो इसराइल डरो उस दिन से अब बनु इसराइल में भी ये बहुत ज्यादा मसला था कि वो भी बेखौफ हो चुके थे वो सोचते थे कि हम अल्लाह के महबूब हैं हम अल्लाह के बेटे हैं नवजुबिल्ला वो समझते थे और हम जो मर्जी बदमलियाँ करते जाएं जन्नत हमारी ठेकेदारी है हमारी मलकियत है जैसे अल्लाह सुबहाना ने कुरान पाक में फरमाया इसी सूरत में कि यहूदियों और ईसाइयों ने कहा कि जन्नत में हम दाखिल होंगे हम जन्नत में जाएंगे तो इसलिए ये जो गलत फहमी है कि बंदा सोचे कि मैं अपनी नस्ल की बुनियाद पे या सिर्फ अपने दीन की बुनियाद पे जनाब जन्नत का वारस हूँ और मुझे कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं नेकियां करने की ज़रूरत नहीं अपने ईमान को अमल को बेहतर करने की ज़रूरत नहीं ये गलत तस्वुरात हैं जिसकी नफी अल्लाह सुबह तहाँ पे फरमा रहे हैं मजीद अल्लाह अब नेमतों का तस्करा फरमा रहे हैं बनु इसराइल पे अल्लाह ने फरमाया मिन फिराउन उस वक्त को याद करो जब मैंने तुम्हें फिराउन के कौम से फिरौनियों से फिराउन और उसके लश्कर से तुम्हें नजात दी यसूम नजाब और ये फिराउन और उसके जो हवारी थे वो कौन लोग थे जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे बदतरीन सजा देते थे युज़ब यूज बेहू ना अल्लाह नाकम अल्ला ने उसकी वजाहत यूं की कि वो तुम्हारे बेटों को जिबा कर देते थे कत्ल कर देते थे जैसे ही कोई लड़का पैदा होता था बनू इसराइल में वो उसको कत्ल कर देते थे वाहून निसा अकुम, और अगर लड़कियाँ पैदा होती थी तो वो उनको जिंदा छोड़ देते थे वफ़ीजाल बला उम्र रब और इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी दोनों चीजों में उस अजाब में भी आजमाइश थी और उससे जब नजात दी तो वो भी एक आजमाइश और इम्तिहान था कि अल्लाह सुबहान इम्तिहान तुम्हारा ले रहे थे कि इतनी बड़ी मुसीबत से जब तुम्हारी जान छूटी तो अब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो या नहीं करते फरकना बिकुम ना कुम अल्लाह सुबहान व फरमाते हैं कि वो वक्त भी फिर याद करो कि जब हमने समुंदर को फाड़ दिया फुम और इस तरीके से हमने तुम्हें निजात दी व अगर आल फिर तुम तंदरून और फिर उसी समंदर में उसी दरिया में जब फिरौन का लश्कर दाखिल हुआ तो वो वहां पे गर्क हो गया हमने फिरौन और उसके लश्कर को गरक कर दिया वान तुम तनजरून इस हाल में कि तुम देख रहे थे तुम्हारी आंखों के सामने इतना ताकतवर दुश्मन जिसका तुम तो मुकाबला नहीं कर सकते थे अल्लाह सुबह ने उसको गर्क कर दिया तो यहाँ जो अल्लाह तो सुबह ने तस्करा किया है दरिया को फाड़ने का चीरने का ये एक मोजा था जो अल्लाह सुबहान तूसा को दिया के जब अल्लाह सुबहान तुम मूसा को हुक्म दिया कि अपना असा, अपनी जो लाठी है वो पानी पे मारे तो जैसे ही उन्होंने लाठी मारी तो समुंदर जो है वो यानी कि दो हिस्सों में बट गया वो जो दरिया था और वो ऐसे बन गया कि जैसे बड़ी बड़ी यानी कि दीवारें होती हैं और दरमियान में रास्ता बन गया तो जो मूसा सलाम और उनकी कौम थी बनु इसराइल वो उसमें से गुजर गए और जब फिरौन और उसका लश्कर उसमें दाखिल हुआ तो वो पानी जो है वो वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ गया और इस तरह फिर और उसका लश्कर वहाँ पे गरक हो गया अब अल्लाह सुबहान जब इन नेमतों का तस्करा किया बनु इसराइल पे और उसके बाद मजीद अल्लाह सुबहान तस्करा किया अगली नेमत का और वो नेमत ये कि वह इदवा अदना मूसा अरबाइन अली लतन के जब हमने मूसा से चालीस रातों का वादा लिया वादा किया कि भाई तूर सेना पे मूसा को बुलाया अल्लाह अल्ला ने और कहा कि भई अपनी कौम को पीछे छोड़ाओ और 40 दिन के लिए कोहे तूर पे आ जाओ और वहाँ पे अल्लाह सुबहान तूसा आलाम को तौरात एक किताब की शक्ल में दी पूरी तौरात अल्लाह सुबहान वहां पे नाजल फरमाई लेकिन मामला क्या हुआ कि मूसा आलाम अल्लाह सुबहानहु व तआला के उस वादे के मुताबिक 40 रातों के लिए चले गए पीछे अपना नायब बना गए हारून अलैहि सलाम को जो उनके भाई थे लेकिन सुम्मत तखज़तुम अल-इजल मिन बादिही वान तुम ज़ालिमून मूसा अलैहि सलाम के जाने के बाद अल्लाह सुबहानहु व तआला फरमाते हैं कि फिर तुमने बिछड़े को अपना माबूद बना लिया बिछड़े को पूजना शुरू कर दिया यानी एक गाय के बछड़े को पूजना शुरू कर दिया वान तुम िम और ये काम करके तुम िम बन गए तो था बनु इसल में इन लोगों के साथ तो जो बनु इसराइल से वो चूंकि अब सफर कर रहे थे वो अपना मिस्र को छोड़ के आ गए थे तो उनके पास जो जेवराज थे वो काफी ज्यादा वजन था उनका तो उन्होंने वो फेंक दिए जब उन्होंने उनको फेंक दिया तो सामरी ने वो सारे इकट्ठे किए और उनको पिघला के उसका एक बछड़ा बना दिया एक पुतला बना लिया बछड़े की शक्ल में और जब उसमें उसने सुराख रखा तो इस हिसाब से के जब उस पे हवा पड़ती थी तो वो उससे आवाज निकलती थी जैसे कोई जो कह कि किसी बांसुरी में या बाजे में जब फूका जाता है तो उसमें से आवाज निकलती है तो वो जो आवाज निकलती थी उस आवाज की बेसिस पे वो सामरी ने उनको बहकाना शुरू कर दिया कि जी मूसा सलाम तो पता नहीं किधर गए हैं और हमें इधर छोड़ गए हैं लेकिन ये बछड़ा है जो नवजुबिल्ला तुम्हारा रब है और वो उनमें इतने इतने यानी कि जाहिल लोग थे कि उन्होंने उस बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी इबादत करनी शुरू कर दी हारून आलाम ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो उनके रोकने पे बाज नहीं आए अब अल्लाह सुबहान उनके इस शिरक का यहाँ पे तस्करा किया और फिर अल्लाह सुबह ने फरमाया कि सुम्मा इस शिर्क के बावजूद अल्लाह सुबह ने तुम्हें कर दिया ताकि तुम अल्लाह का शुक्र करो कि इतनी बड़ी शिरक का जुर्म करने के बावजूद अल्लाह ने तुम्हें मुआफ़ किया लेकिन अगली आयात में तफसील आएगी कि ये मुआफ़ी सीधी सीधी नहीं थी आसानी से मुआफ़ी नहीं मिलगी भले बल्कि उन्हें इसकी तलाफ़ी भी करनी पड़ी अल्ला व तआला फरमाते हैं वही जीना मूसल किताबल फुर्कान अला वो वक्त भी याद करो और अल्लाह की इस नेमत को भी याद करो कि अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को किताब दी अल्लाह सुबहान फरमाते हैं कि जब हमने मूसा सलाम को किताब यानी तौरात दी वल फुरुना और फ़र्क करने वाली चीज़ दी यानी मौजाद दिए या फर्क करने वाली चीज से मुराद तौरात ही है। और मकसद ये था कि तुम हिदायत याफ़्ता हो जाओ तुम हिदायत पा जाओ। काल और जब ने अपनी कौम से कहा या कौम कुम तुम अनफुसुम बुलाज ऐ मेरी कौम तुमने बिछड़े को माबूद बनाकर बिछड़े की इबादत करके अपने आप पे जुल्म किया है फतुबु इला बार तो तुम्हें अपने पैदा वाले पैदा करने वाले की तरफ रुजू करना चाहिए यानी तुम्हें अल्लाह सुबहान तरफ रुजू करना चाहिए तोबा करनी चाहिए लेकिन तोबा का तरीका क्या है अनफुसकुम तुम अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम एक दूसरे को कतल करोरुम इंदबार यही तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ यानी अल्लाह सुबहान तुम्हारे लोगों तुम लोगों के लिए यही फैसला किया है यानी देखें अंदाजा करें कि शिरक कितना बड़ा जुर्म और कितना बड़ा गुनाह है कि बनु इसराइल ने जब मूसा सलाम की आदम मौजूदगी में चंद दिन शिरक किया तो अल्लाह सुबहान सजा उन्हें ये दी के एक दूसरे को कत्ल करो जब तक के एक दूसरे को कत्ल कर कर के थक नहीं जाते या अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आ जाता कि अब बस इसके बारे में मुफसरीन ने दो तरह के अकवाल नकल किए हैं एक तो ये कि उन्हें हुक्म दिया गया शिरक करने वालों को जिन्होंने बिछड़े की पूजा की थी कि एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दो एंड पे देखा जाएगा कि कौन बच जाते हैं कौन मारे जाते हैं या ये कि जिन्होंने शिरक नहीं किया था उनको हुक्म दिया गया कि शिरक करने वालों को कत्ल करो तो मुख्तल मुफसरीन ने इसकी जो तादाद बयान की है कि इस जो कत्ल में जो अल्लाह सुबहान हुक्म दिया तकरीबन उनके सत्तर हजार लोग जो हैं वो इस जिमन में कत्ल हुए इस जुर्म की सज़ा के तौर पर फतेहबुम अल्लाह सुबह तरमाते हैं कि जब उन्होंने ये काम किया ने उन्हें हुक्म दिया कत्ल करने का पताब आल तो अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली इन क्योंकि अल्लाह सुबह वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है फिर अल्लाह सुबहान तजीद फरमाया वोसा लनला यहाँ से इस किस्से का एक और पहलू शुरू होता है कि मूसा सलाम जब गए हैं तूर पे तौरात लेने के लिए अल्लाह सुबहान बुलाया है और अल्लाह सुबहान ने किताब दे दी मूसा सलाम को तो मूसा सलाम अपनी कौम में से जो बड़े बड़े सरदार थे बड़े बड़े चौधरी थे उनको साथ लेकर गए थे जब उनको कहा कि ठीक है तो रात मिल गई है, चलें वापस चलें, तो उन लोगों ने वहां पे खड़ा कर दिया अपना मुतालबा और उन्होंने कहा कि वही कुल तुम या मूसा जहरा जब तुमने कहा कि ए मूसा हम उस वक्त तक तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तुम पे ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को खुद अपने सामने न देख लें अल्लाह फहदतुम सुबहते हैं कि उनकी इस गुस्ताखी की वजह से अल्लाह सुबहान फरमाते हैं कि उनको बिजली ने पकड़ा अल्लाह ने मुखातब का सीधा इस्तेमाल किया कि अल्लाह ने तुम्हें बिजली से पकड़ा यानी कि तुम पे बिजली गिरी वन तुम तनजर और तुम देख रहे थे कि ये बिजली कड़की है गिर रही है और तुम वहां पे मर रहे थे तो वो सारे जो सरदार थे उनके उनको अल्लाह तआला ने बिजली के जरिए मार दिया तो जब मूसा सलाम ने यह देखा कि वो सारे जो सरदार थे बड़े थे कौम के वो सारे मारे गए तो उन्होंने अल्लाह सुबहान दुआ की अल्लाह ये जो मामला हुआ है ये तो बड़ा ही सख्त मामला है तो इनको वापस जिंदगी की तरफ लौटा दिया जाए गना तो बड़ा यानी कि फितना फसाद होगा कि जब मैं वापस अकेला जाऊंगा और सारे मर चुके होंगे तो अल्लाह सुबहाना ने फिर उनको दोबारा जिंदा कर दिया अल्लाह सुबहानी फरमाते हैं तशकुरून फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद दोबारा जिंदा कर दिया ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो तो देखें अल्लाह सुबहान तन इसराइल को कितने मोजात दिखाए और कैसे कैसे गैबी उमूर को इनके लिए जाहिर कर दिया कि मसलन बतौर मुसलमान जिन उमूर पे हम गैबी ईमान रखते हैं जैसे मरने के बाद जिंदा होना उसका हमारा वही की बुनियाद पे गैबी ईमान है हमने मरे हुए लोगों को जिंदा होते नहीं देखा लेकिन अल्लाह सुबान ने इस मूसा को मुर्दे जिंदा होते दिखा दिए मुर्दे जिंदा कर दिए अल्लाह सुबान ने उनकी कौम से लेकिन फिर भी इतने बदबक लोग फिर भी अल्लाह पे सही तरीके से ईमान नहीं ला रहे और बार बार कुफ्रिया और शिरकिया कामों की तरफ जा रहे हैं अल्लाह सुबहान तयतों का तस्करा किया और अल्लाह सुबह फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर बादल का साया कर दिया क्योंकि ये सहरा में थे जिसका नाम जो सना का जो सहरा है उसमें थे या बाज़ मुफसरीन ने कहा कि यहाँ पे ये तस्करा मैदान ती का है जहाँ पे उनको बंद कर दिया गया और ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे एक बहुत लंबा अरसा क्योंकि अल्लाह सुबहान हुक्म दिया था कि अमालिका नाम की एक ताकतवर कौम पे जाके हमला करें और वो शहर फतह करें लेकिन इन बुजलों ने उसका इनकार कर दिया कहा कि हम नहीं उस पर जाके हमला कर सकते हमें डर लगता है वो हमसे तगड़े हैं तो अल्लाह सुबहान सज़ा के तौर पे इनको एक मैदान में जकड़ के बंद करके रख दिया यहाँ ये वहाँ का वाकया है या ये कि जब मूसा फिरौन से नजात पा के आगे निकले हैं तो सहराए सेना में थे तो वहाँ का ये वाकया है कि अल्लाह सुबहान ने इनके ऊपर बादल कर दिए वगरना अगर धूप निकलती तो वहां तो इनकी हालत बड़ी बुरी हो जाती इतनी गर्मी में और धूप में तो इनके पास कोई साहिबान तो थे नहीं तो अल्लाह सुबहान वाली फरमाते हैं कि बादल से तुम पे साया कर दिया व अनजलना अनकमसल हुआ और हमने तुम पे मीठा और नमकीन नाजल किया तो अल्लाह सुबहान तरफ से इनकी ऐसी दावत वहां पे जारी थी कि एक ऐसी जगह के जहाँ पे खाने पीने को कुछ नहीं था आसमानों से इनके लिए खाना बरसता था और आसमानों से इनके लिए खाना आता था अलमन्ना जो मीठा है मीठे में मुख्तलफ चीजों का मुफसरीन ने तस्करा किया है हदीस में भी इस चीज़ का तस्करा है कि एक ओस की तरह या कह लें कि स्नो की तरह चीज गिरती थी और असल में वो स्नो नहीं होती थी बल्कि मीठी होती थी शहद की तरह और जम जाती थी और इसी तरह इस मीठे में एक मीठी किस्म की खुम्बी भी शामिल है जिसका रसूल सल्ह वसलम ने तस्करा किया के जो बनु इसराइल को मीठे में दिया जाता था उसमें वो खुम्बी भी शामिल थी और जो सलवा है सलवा एक परिंदे का नाम है छोटा सा परिंदा जैसे बटेर होते हैं या चिड़िया होती है इस टाइप का एक परिंदा सलवा नाम का तो वो भी इनके पास होते थे तो ये उसे यानी कि जिबा करके तो उसको रोस्ट करके खा सकते थे या आग पे पका के कुल रज़कनाकुम अल्लाह ना व तआला फरमाते हैं कि हमने उनसे कहा कि जो अल्लाह ने तुम्हें पाकिजा रिज्क दिया है ये मनोसलवा की शक्ल में इसको खाओ व वा वाला मूना इसके बावजूद भी उन्होंने अल्लाह के अकाम की, की पाबंदी नहीं की और उन्होंने नाफ़रमानियां की तो अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं वमा वा वाला इन्होंने ये सारी नाफरमानियाँ करके हम पे कोई जुल्म नहीं किया अल्लाह पे जुलम नहीं किया अल्लाह का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते वलाकिन अनफुसहुम ये खुद अपने आप पे जुल्म कर रहे थे अपने साथ ज्यादती कर रहे थे क्योंकि जब बंदा नाफरमानी करता है गलत काम करता है कुफर और शिरक के काम करते हैं करता है तो वो अल्लाह का नुकसान नहीं करता या कर सकता अल्लाह पे जुल्म नहीं कर रहा बल्कि अपने आप पे म कर रहा है अब अल्लाह सुबहान तीन सारी नियमतों का तस्करा कर दिया उन नेमतों के दरमियान इनके बड़े बड़े जुर्मों का भी तस्करा कर दिया और उन जुर्मों की इनको सजा भी मिल गई कईयों से इनकी तोबा कबूल होगी अल्लाह ने मुआफ भी कर दिया और अब तक कोई भी जी शूर कहेगा कि अब इनको समझ आ गई होनी चाहिए अब इतनी मेचोरिटी इन लोगों में आ जानी चाहिए बनो इसराइल में कि अब ये सीधे हो गए होंगे लेकिन मामला क्या था इससे अगला मरहला देखें वह इज ना दिल करिया अब उस मैदान से उस सहरा से इनकी जान छूट रही है और अल्लाह सुबहान फरमा रहे हैं कि खुलू हादहिल करिया इस बस्ती में दाखिल हो जाओ यानी कि बैतुलमक जो है फिलस्तीन में इस बस्ती में दाखिल हो जाओ फकू मिन वहां से तुम जाओ चाहो खुल के खाओ खुली यहाँ शहर है बस्ती है फरावानी है चीजों की तुम खा सकते हो हो वद जब दाखिल शहर के दरवाजे से तो वहां पे सजदा करना है सजदा शुकर मुराद है या म, मुराद है कि झुकना है अल्लाह सुबहाना के सामने तो सजदा करते हुए वहां से गुजरो जब बस्ती पर पहुंच जाओ तो एक शुक्र का मुकाम है इतनी देर से फंसे हुए थे जंगलों में और बयाबानों में तो अब जब शहर मिल गया है तो अल्लाह सुबहान शुक्रिया अदा करते हुए वहां सजदे में गिर जाना जब बस्ती में पहुंचोगे वकूलू हिता और साथ ये भी कहना कि हित्ता हिता, हिता लफज का मतलब ये है कि अल्लाह हमारे गुना मुआफ कर दे न विरकुम खा याकुम अल्ला ने फरमाया कि जब तुम सजदे में गिरोगे और कहोगे अल्लाह हमें मुआफ़ तो हम कर दे तो अल्लाह फरमाते हैं कि हम तुम्हें मुआफ़ कर देंगे तुम्हारी गलतियां मुआफ़ कर देंगे वसन अजीदुलमुहसिन और जो लोग अच्छाई करते हैं हम उन्हें मजीद नवाजते हैं अगर तुम तोबा कर लोगे तो ना सिर्फ तुम्हारी तोबा कबूल होगी और बख्शिश होगी बल्कि जब तुम नेकोकार बन जाओगे तो अल्लाह तुम्हें और नवाज अल्लाह सुबहान ने इनको इतना सादा सा आसान सा काम बतलाया के अल्लाह सुबहान तला से मुआफी मांगनी है लेकिन इतनी ज्यादा अल्लाह सुबहान तला की जो पिछले सालों में पकड़ रही है इन पे उसके बावजूद इनकी सरकशी और बगावत खत्म नहीं हुई अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं फबदीन कौल गई के इन लोगों में से जो जालिम थे उन्होंने जुमला ही बदल दिया जो अल्लाह सुबाना की तरफ से करने के लिए कहा गया था उसको बदल दिया हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सही बुखारी में इसकी तफसीर है कि अल्लाह सुबहाना ने जब उन्हें कहा कि सजदा करते हुए दाखिल होना तो इतनी सरकशी इतनी बगावत के सीधे चलते हुए भी दाखिल नहीं हुए अपनी पीठ और अपने शरीन के बल रगड़ते हुए उस शहर में ये दाखल हुए घिसटते हुए ये दाखिल हुए कि हमारा सर झुक ना जाए सर को पीछे करके कमर के बल समझे लेट के या बैठ के तो अपनी पीठ को आगे जमीन पे घसीटते हुए ये उस शहर में दाखिल हुए इतनी सरकशी और इतनी नाफरमानी और जो अल्लाह सुबहान तफज उनका लफ्ज़ बयान किया कि अल्लाह से माफी मांगना तो वहां पे उसकी बजाय ये हब्बतिन फिशारतन यानी गंदम गंदम करते अंदर दाखिल हुए कि हमें खाना चाहिए इतने मटीरियलिस्टिक यानी के के बजाय इसके कि अल्लाह से माफी मांगे उसकी बजाय दुनिया के पीछे कहते हैं कि जी खाना किधर है और गंदम किधर है यानी के ये दीन का मजाक उड़ाने वाली बात के जो मूसा आसाम के जरिए अल्लाह ने हुक्म दिया उसका मजाक किस तरह से ये कौम उड़ा रही है पीठ के, के बल घिसटते हुए उस शहर में दाखिल हो रहे हैं और बजाय इसके कि अल्लाह से मुआफी मांगे ये उससे मिलते जुलते और लफज कह रहे हैं कि हमने मुआफ़ी नहीं मांगी पाना सुकून अल्लाह सुबहान तरमाते हैं कि इन ालमो से पे अल्लाह सुबहान आसमान से अजाब नाजल किया बिमा कानू या सुकून क्योंकि ये लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे और फिसको फजूर में मुबतला थे ये अजाब क्या था यह अजाब था ताउन की शक्ल में रसूल सल्हसम ने इसका बयान किया है कि उन पर ताउन की वबा नाजल हुई और और ये ताउन की वबा बाद में भी रसूल सल्ला ने कहा कि आती रहेगी और जब वबा किसी इलाके में फैले उसी हदीस का हिस्सा है कि रसूल ने कहा कि उस इलाके में जाओ नहीं और अगर उस इलाके में हो तो फिर वहां से निकलो नहीं अब अल्लाह सुबहाना ने एक और मोजे का तस्करा किया है और ये मुआजा भी उसी वक्त हुआ जब बनु इसराइल उस सहरा में फंसे हुए थे उस सहरा में थे पिछली आयात में अल्लाह सुबहान चीजों का तस्करा किया मीठे का और नमकीन का तो ये हो गया खाना हमें ये भी पता है कि जब आप किसी जगह पे हैं तो जहां आपको खाने की जरूरत पड़ती है वहां पीने के लिए पानी भी चाहिए होता है आप मीठा खा लें आप नमकीन खा लें कोई रोस्ट चीज खा ली पेट भर गया लेकिन पानी के बगैर भी बंदा जिंदा नहीं रह सकता वो भी बुनियादी जरूरत है तो अल्लाह सुबहान तला ने इनके लिए जो खाना है वो तो आसमान से नाजल कर दिया और पानी का अल्लाह सुबहान कैसे बंदोबस्त किया उसका इस आयत में अल्लाह तस्करा फरमा रहे हैं अल्लाह सुबहान तरमाते हैं वही मूसा ही फकुल न्यासाक हजर के जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा अल्लाह सुबहान दुआ की कि अल्लाह हमें पानी दे फुल न्यासाक हजर अल्लाह सुबहान फरमाते हैं कि हमने कहा कि अपने आसा को अपनी लाठी को पत्थर पे मारो फनता फन तो चश्मे फूट पड़े कदिकना सिम मशरबहुम तो हर ग्रो ने अपना चश्मा जो है वो पहचान लिया और मुक्र कर लिया ये बनू इसराइल जो है इनके बारह कबीले थे क्योंकि याकूब आलम के बारह बेटे थे जिनमें से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे तो बारह बेटे उन बारह की बारह नस्लें चली तो वो बारह कबीले थे तो अल्लाह व तआला ने हर खानदान के लिए हर कबीले के लिए एक अलग चश्मा वहां पे जारी कर दिया जहां से वो पानी लेते थे अल्लाह व तआला ने फरमाया सुबहान तरमाया मिर श्रभु के अल्लाह ने जो तुम्हें रिज्क दिया है उससे खाओ और पियो खाने के लिए मन्नो सलवा नाजल किया पीने के लिए बारह पानी के चश्मे बहा दिए वालाता सौफिल और दुमफ और तुम जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। फसाद में हर चीज आती है गुनाह करना शिरक करना शरारत करना कत्लो गत करना चोरी करना हर चीज फसाद में शामिल है मतलब ये कि अल्लाह की फरमा बरदारी करके जमीन में अमन कायम करो और अल्लाह की नाफरमानी करके जमीन में फसाद का बास ना बनो अब यहाँ तक हो गया नेमत का तजकरा के बैठे बैठाए खाने को मिल रहा है मीठा भी नमकीन भी पीने को पानी बगैर मेहनत के मिल रहा है सर पे मकान बनाए बगैर बादलों की छत है और कोई काम करने को नहीं तो अब इसका नतीजा तो यही होना चाहिए समझ यही आती है कि बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे अल्लाह मुझे बैठे बैठाए सारा रिज़क दिए जा रहा है तो शुक्र नहीं मजीद फरमाइें ना शुक्री और आ, मजीद मुतालबात ये जो हमें खाना दिया जा रहा है ये कोई इतना आइडियल नहीं है इतना अच्छा नहीं है इससे बेहतर होना चाहिए हमारी सही तरह से खातर मदारत नहीं हो रही अल्लाह सुबह मत हैं वही तुम या मूसा उस वक्त को याद करो कि जब तुमने मूसा अलैहि सलाम से कहा लन नस्बिरा अला तामी वाहिदिन हम एक खाने पे सबर नहीं कर सकते एक तरह का खाना खा खा के हमारी बस हो गई है फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुम बितुल अर्द तो आप अपने रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे लिए जमीन से निकाले वो चीजें जो जमीन उगाती है यानी हमने कुछ नहीं करना हमें जो पहले नियमते मिल गई हैं उसका शुकर भी नहीं अदा करना मजीद बैठे बैठे हमें मजीद दिया जाए जमीन क्या निकालती है मिमबक लिहा जमीन से जो सब्जियां निकलती हैं जैसे साग जो पत्तों वाली जो सब्जियां हैं वो अल्लाह हमारे लिए जमीन से निकाल ले वह किस्सा ककड़ी वगैरह हमारे लिए निकाल ले और हमारे लिए गंदम निकाले वह आदा और हमारे लिए मशहूर जो दाल है वो निकाले वह बस लीहा और हमारे लिए जमीन से प्याज निकाले यानी के उन्हें मिल रहा था डेजर्ट मिल रहा था स्वीट डिश मिल रही थी उसके साथ साथ उन्हें रोस्टेड कह लें के जो बर्ड्स हैं उनकी उनके पास ऑप्शन मौजूद थी वो वो खाते थे तो अब चाहे उनमें नाफरमानी भी है और काम चोरी भी है बगावत भी है लेकिन नखरे पूरे हैं कि हर चीज जो खाने में होती है वो हर चीज उन्होंने तस्करा कर दिया बकली हा वेजिटेबल्स उन्होंने कहा कि वेजिटेबल्स मिसिंग है किस्साई जो ककड़ी का तस्करा किया कहा कि सैलड मिसिंग है वफूमी हा और गंदम कह के जो गंदम है रोटी है चावल है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका तस्करा कर दिया कि ये मिसिंग है वह आधा और दालों का तस्करा कर दिया मसूर कह के वह बस अलहा और प्याज कह के तड़के का तस्करा कर दिया और जो करी बनाने के लिए जो कह लें कि लवाजमात चाहिए उनका तस्करा कर दिया तो उन्होंने कहा कि यानी कि ये जो एक ही तरह का कह लें कि मीठा और नमकीन है इसकी बजाय हमें ये ये चीजें चाहिए अल्लाह ने फरमाया दिलून अल्लदी हुआ अदना बिल्लदी हुआ घटिया चीज को को लेना चाहते हो बेहतर की जगह पे अत दिलून अल्लदी हुआ अदना क्या तुम बदलना चाहते हो उस चीज को जो घटिया है उसके साथ जो कि बेहतर है घटिया इस से कि जो तुम लोग चीजें मांग रहे हो वो तो रूटीन की चीजें हैं जो दुनिया में उगती हैं और अल्लाह सुबहान तरफ से जो तुम्हें खाना आ रहा है वो आसमानी खाना है उसमें वो वाले कह मसाइल है नहीं या वो वाले इश्यूज नहीं है जो जमीनी खानों में होते हैं साइड इफेक्ट्स लेकिन ये आसमानी खाना है कि जो कह लें कि उसमें बेहतरी ही बेहतरी है कोई साइड इफेक्ट नहीं कोई ओवर ईटिंग की वजह से प्रॉब्लम नहीं या कोई तजावियत जैसे इश्यूज नहीं और कुछ भी नहीं बेहतरीन जैसे जन्नत में लोगों को जब खाना मिलेगा आप उससे इसको मिसाल समझ सकते हैं अल्लाह सुबहान तुम लोग इतने न शुक्री करने वाले हो कि अल्लाह ने तुम्हें आसमानी खाना दिया है और तुम उनको छोड़ के फिर वापस वही जो दुनिया के आम खाने हैं उनका मुतालबा करते हो बिश्रन फ इन नलकुम्मा सल तुम तुम किसी शहर में चले जाओ फलकुम्मा सल तुम तो जो तुम मांग रहे हो वो वहां पे मिल जाएगा मिलेगा वैसे ही दुनिया का खाना है तो दुनिया वाले तरीके से मिलेगा उसको या उगाना पड़ेगा खुद या खरीदना पड़ेगा खरीदने के लिए मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाना पड़ेगा और जाके खरीदोगे मंडी से और फिर उस खाने को लाओगे और घर में खुद पकाओगे तो मेहनत करके खाना पड़ेगा अब बगैर मेहनत के जो खाने को मिल रहा था ना आसमानी खाना जो तुम्हारे लिए अच्छा था उसके बदले में तुमने मांगी है ये दुनियावी चीजें अब कमाओ और खाओ जाओ शहर में खुद कमाओ खुद ये अच्छी बुरी जिस क्वालिटी की चीजें मार्केट से मिले लो खुद पकाओ और खुद खाओ फिर तुम्हारा आसमानी खाना अब बंद है वजूरबतमस्कना अल्लाह सुबहान तरमाते हैं उन पे जिल्लत और गुरबत मस्कनत मतलब गुर्बत मुसलत कर दी गई अल्लाह की तरफ से उनको अल्लाह सुबह मत ने जलील कर दिया इसकी भी तारीख बड़ी पड़ी है कि इन जो कौम मुसा है उसको अल्लाह ने कैसे कैसे जलील किया और कैसे कैसे इन पे आजाब आए जैसे ताउन की शक्ल में या किस किस तरह तारीख में इन पे अटैक होते रहे और जो हमला आवर थे वो किस तरह इनकी कत्लो गत करते रहे और अल्लाह सुबहान तरबत भी मुसलत कर दी देखे ना कि एक आसमानी खाना आ रहा था पारक बैठे काम चोरी से खा रहे हैं अगर बंदे तो जब अगर उनको कह दिया जाए कि अब खुद कमाओ खुद खाओ तो अब तो जो नहीं कमा सकेगा तो वो फिर भूखा भी मरेगा गुर्बत में भी होगा तो अल्लाबहान ते ज़िल्त और गुरबत मुसलत कर दी व अबाऊ बे गदब मिनल्ला और ये अल्लाह का ग़ज़ब लेके लौटे अल्लाह सुबहान की नाराजगी और गज़ब इन पे था सुबह फरमाते हैं कि इन पे ज़िल्लत, ये गुरबत और ये गज़ब अल्लाह का क्यों हुआ अल्लाह सुबहान तरमाते हैं कानू यक फ़ुरु नबी आयात ये लोग अल्लाह सुबहान तयात का इनकार करते थे वक़ुल नबी गलक और ये अम्बिया को बगैर हक के बिला जवाज कत्ल किया करते थे यानी इतने ये येम लोग इन्होंने अल्लाह के अम्बिया तक को कतल किया हुआ है बनी इसराइल में कई अम्बिया को बनु इसराइल ने कत्ल कर दिया कबीमा आसाकान या था अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं कि ये सारी पकड़ सारी आजमाइश जिल्ल और इन पे गजब इस वजह से हुआ कि ये अल्लाह की नाफरमानी करते थे वकानू या तदून और ये ज्यादती करते थे यानी जो इनको काम करने में कहा जाता था उसमें ये तजावज़ करते थे उसमें हद से बढ़ जाया करते थे अगली आयत में अल्लाह ने एक और इशू का तज़करा किया और ये आयत बड़ी अहम है और बाज लोग इस आयत के मफहूम को समझने में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और मिसअरस्टैंड कर जाते हैं अल्लाह इस आयत में वो कहलें, स्केल या वो मैार बयान कर रहे हैं कि जिस मैार की बुनियाद पे बंदे की नजात होनी है या क्यामत वाले दिन उसकी कामयाबी है अल्लाह सुबहान ताहियत में ये फरमा रहे हैं कि कामयाबी इस बुनियाद से नहीं है कि किसका ताल्लुक किस ग्रुप से है बल्कि जो शख्स अल्लाह की वही को फॉलो करता है अल्लाह पे ईमान लाता है जैसा कि ईमान लाने का हक है तो उस शख्स के लिए निजात है उस शख्स के लिए कामयाबी है अल्लाह सुबहाना फरमाते हैं हादू व न साब वसाबीन। जो लोग ईमान लाए या जो लोग यहूदी हुए व नसारा या जो ईसाई हुए व या जो लोग बेदेन हुए यहूदी तो यानी कि यहूदी और ईसाई ईसाइयों को नसारा कहा जाता है अरबी जुबान में ये लफज नसरान से है यानी मददगार क्योंकि ईसा सलाम ने जब कहा था कि कौन मेरी मदद करेगा कौन मेरे साथ चलेगा तो उन्होंने कहा था कि हम अनसार हैं तो ये अनसार का लफज मददगार का लफज हेल्पर का लफज वहां से इनके लिए आया ईसाइयों के लिए कि एक दूसरे की मदद करते हैं ये वसा इन बेदीनों को कहा जाता है ये वो लोग थे शुरू में तो ये ए, किसी न किसी दुरुस्त मन या दुरुस्त सोच पे थे दुरुस्त तरीके पे थे आहिस्ता आहिस्ता इनमें भी शिरक वगैरह सारा प्रस्ती वगैरह आ गई मन आमन व तआला ने कहा कि हर गुरु अपना अपना करेगा कि जी जैसे यहूदियों ईसाइयों ने कहा हम जन्नत में जाएंगे जन्नत में जाने का मैार अल्ला ने बयान फरमाया मन आमन आखिर जो शख्स अल्लाह पे ईमान लाया आखरत के दिन पे ईमान लाया और उसने नेक काम किए फला दरबिहम उन लोगों के लिए अल्लाह के हाँ उनका अजर है वला खौफन वला हम और वो ना तो उन्हें किसी किस्म का खौफ होगा और ना ही वो गम और उदासी में होंगे तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि बंदे शायद कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि जी चाहे कोई किसी भी मजहब से हो अगर वो अल्लाह पे ईमान रखता है और नेक काम करता है तो वो जन्नत में जाएगा इस आयत का ये मतलब नहीं है इस आयत का मतलब और मफहूम ये है कि अपने अपने दौर में जो भी शख्स था वो अगर अल्लाह की वही पे सही तरीके से ईमान लाता है और अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा लेकिन अगर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद जो अल्लाह के नबी मोहम्मद वसल्लम की रिसालत पे ईमान नहीं रखता वो अल्लाह पे भी ईमान नहीं रखता तो इसलिए जो लोग पिछली उम्मतों के थे जैसे मूसा की उम्मत है उसमें से जो गुनाहगार थे उनको उसकी सजा मिलेगी जो नेक लोग थे उन लोगों के लिए कह लें अल्लाह के यहाँ उनका अजर है और उन्हें कोई खौफ नहीं होगा वो गमनाक नहीं होंगे लेकिन उम्मत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के लिए ये है जो अल्लाह के अः रसूल मोहम्मद अलैहि वसल्लम के जरिए जो लेटेस्ट वर्जन वही का भेजा गया उस पे वो ईमान लाता है और उस पे अमल करता है जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरान पाक में तस्करा फरमाया व तक दीन कि जो इस्लाम के अलावा किसी दीन को तलाश करेगा उसके पीछे चलेगा फलैक मिन हो तो वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा और इसी तरह रसूल भी इस बारे में अहादीस मौजूद हैं जैसे रसूल सल्हम ने फरमाया वदी नफसी भी अदी ही लाऊ रजमिन हादमा यहूदी इल्ला दखलनार के अल्लाह की कसम के जिसके हाथ में मेरी जान है कोई भी शख्स इस उम्मत में से लोगों में से कोई भी शख्स चाहे वो कोई यहूदी हो या ईसाई हो वो उसे मेरी खबर मिल जाए वो वो सुन ले के मोहम्मद रसूल वसल्लम को भेज दिया गया है उसके बाद वो मुझ पे ईमान ना लाए अल्ला दखलन्नार तो ऐसा शख्स दोजख में दाखिल होगा अल्लाह सुबहान हमें अः दोजख की आग से बचाए तो अल्लाह सुबहान यहाँ पे जो चीज़ जिसकी वजाहत की वो ये की के सिर्फ मुसलमान कहला लेने से मुसलमान होने का दावा कर देने से नजात नहीं हो जाती बल्कि जिस दौर में भी जो भी मुसलमान है चाहे पिछली उम्मतों के मुसलमान थे या इस उम्मत के मुसलमान हैं अगर अल्लाह पे सही तरीके से ईमान होगा आखरत पे सही तरीके पे ईमान होगा और जो अमले साले है नेक अमाल होंगे तो फिर ही अल्लाह के यहाँ जो उनका अजर है जो सवाब है वो साबित होगा और अल्लाह सुबहान उन्हें उसका जो है वो बेहतर बदला देंगे तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब की बुनियाद पे बेखौफ हो जाना ये वही गलती है जो गलती ईसाइयों और यहूदियों ने की थी और इस सारे के सारे मामले में सब लोगों के लिए जो है वो नसीहत है हिदायत है जैसा कि अल्लाह सुबहान आने वाली आयात में भी इस चीज़ का तस्करा कर रहे हैं क्विकली इनशाला जहां अल्लाह सुबह ने वाज नसीहत का तजकर किया वहां तक इनशाला आज हम पढ़ेंगे कि मीसा कम वफाना फोकम अल्लाह सुबहान तमाते हैं कि जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया और तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को ला के खड़ा कर दिया यानी कि जब मूसा इस्लाम को तोरा दी गई तो इन बनू इसराइल से कहा गया कि इसको फॉलो करना है इस पे अमल करना है तो ये आगे से अकड़ के क्यों नहीं ये तो बहुत मुश्किल मुतालबात हैं हम नहीं इस पे अमल कर सकते तो अल्लाह सुबहान ने तूर पहाड़ को उठाया और उनके सरों के ऊपर कर दिया कि भाई ये अब तुम पे बस गिरने वाला है तो वो डर गए अब जब वो डर गए तो उस वक्त खुजूमा आतना कुम विकुआ उस वक्त उन्होंने फिर वादा कर लिया कि ठीक है हमारी जान बख्शी कर दी जाए हम इस किताब पे अमल करेंगे अल्लाह सुबहान तला ने, ने उनसे कहा खुजूमा आतना कुम्विकुआ जो हम तुम्हें दे रहे हैं ये किताब इसको मजबूती से पकड़ लो वज करो माफी है और इसके अंदर जो अहकाम हैं उनको याद करो उससे नसीहत हासिल करो ला तुम में तकवा पैदा हो परहेजगारी पैदा हो सुतवल तुम बातिकल्ला सुबह फरमाते हैं कि उसके बाद तुम अपने वादे से मुकर गए किताब पर अमल करना बंद कर दिया फल फल वरम

जिन्होंने हफ्ते वाले दिन ज्यादती की हफ्ते वाले दिन उन्होंने की जुलम किया फकुल तो हमने उनसे कहा कि तुम जलील बंदर बन जाओ यानी कि उनको अल्लाह तआला ने रुसवा कर दिया और उनको मस्क करके बंदर बना दिया हफ्ते वाले दिन ज्यादती ये की कि अल्लाह सुबहान कौम को हफ्ते वाले दिन सैटरडे वाले दिन काम करने से और मछलियां पकड़ने से मना कर दिया अब इनकी आजमाइश इनके लिए फितना के हफ्ते वाले दिन मछलियां बहुत आती थी और जिस दिन हफ्ता नहीं होता था बाकी दिन पे मछलियाँ थोड़ी होती थी तो इन्होंने अब हीला साजी की ट्रिक आजमाया कि इन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम गड़े वगैरह खोद लेते हैं जाल वगैरह लगा लेते हैं फ्राइडे नाइट को लगा देंगे और सैटरडे वाले दिन लगे रहेंगे हम ये दावा करेंगे कि हम तो एक्टिवली काम नहीं कर रहे लेकिन जाल और गड़े और हर चीज मछलियां पकड़ने के लिए हमारा सारा सामान पहले रेडी है लगा हुआ है दरिया पे और संडे मॉर्निंग को जाके अतवार वाले दिन सुबह को वो सारा कुछ निकाल लाएंगे उससे तो अब ये इन्होंने हीला साजी की शरीयत का मजाक उड़ाया हालांकि इस तरह करके ये जो सारी तैयारी कर रहे हैं असल में ये शिकार की तैयारी कर रहे हैं सैटरडे वाले दिन चाहे एक्टिवली सैटरडे वाले दिन ये वहां पे जाके काम नहीं कर रहे तो इस बेसिस पे अल्लाह सुबह मत ने इन लोगों पे अजाब नाजल किया और इनको बंदर बना दिया फजा नकालिमा बदईलहा ये आयत बड़ी अहम है और आज इनशा ये आखिरी आयत होगी आज के सबक की के हमने इनको अगले पिछले जो इनके सामने लोग मौजूद थे जो इनसे बाद आने वाले लोग थे सब के लिए इनको इबरत बना दिया और हमने इस इस चीज में एक नसीहत बना दी लिलमुत उन लोगों के लिए जो तकवा करने वाले हैं जो ईमान वाले हैं जो इस्लाम वाले हैं तो इस आयत से हमें ये पता चला अल्लाह ये जो सारा कुछ बयान किया यहूदियों के बारे में इसके आसर पे क्या फरमा रहे हैं बयान तो उनका यहूदियों का आगे भी आएगा लेकिन यहाँ तक जो उनकी अल्लाह ने नियमते ने उनको दी और उन्होंने जो नाफरमानियां की उसका बयान करके उनकी सजाओं का बयान करके अल्लाह कहते हैं कि इसमें अगले पिछले सालों के लिए इबरत है और इसमें नसीहत है तकबे वालों के लिए मुसलमानों के लिए परहेजगारों के लिए तो कुरान जो भी बयान करता है यहूदियों के बारे में ईसाइयों के बारे में मुशरकों के बारे में काफरों के बारे में उसमें हमारे लिए नसीहत है हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत काम गलत है यहूदियों ईसाइयों काफरों मुशरकों के लिए और मुसलमानों को खुली आजादी है कि ये सारे काम कर लें और ये आयतें तो काफरों वाली हैं ये हम पे अप्लाई नहीं होती हर गलत काम करना जो काफरों के लिए गलत है वो मुसलमानों के लिए बिल गलत है जहां अल्लाह ने कुरान में ये बयान किया कि फलां शख्स पे फलां काफिर पे फलां मुशरक पे फलां यहूदी पे ईसाई पे अल्लाह का कहर नाजल हुआ गज़ब नाजल हुआ इन इन गलतियों की वजह से तो उसमें हमारे लिए भी इबरत है हमारे लिए भी नसीहत है कि अगर हम भी इन गुनाहों में गलतियों में पड़ेंगे तो वही सजा फिर हम पे भी आएगी हम उसको सिर्फ ये कह के इग्नोर नहीं कर सकते कि जी ये तो काफरों वाली आयात है ये हम पे एप्लीकेबल नहीं है तो इस तरह तो पूरे का पूरा कुरान जो है जहा जहाँ कुरान शरक का जुल्म का और नाफरमानियों का तस्करा करता है वो सारा हम पे अप्लीकेबल ही नहीं रहेगा तो कुरान अल्लाह ने मोमिनों और मतकीन की हिदायत के लिए नाजल किया है उनकी रहनुमाई के लिए नाजल किया है ना कि कोई गैर मुसलमों की रहनुमाई के लिए बल्कि उनकी भी रहनमाई इसी शक्ल में होगी कि वह दीन इस्लाम को एक्सेप्ट कर लें तो इसलिए ये आयत जो आखिरी हमने पढ़ी इसमें बड़ी वाजे हमारे लिए सबक है अल्लाह सुबहाना की तरफ से कि अल्लाह कुरान में काफरों मुशरकों की जो खराबी बयान करते हैं उसमें मकसद हमें नसीहत देना है हमारे लिए उसमें इबरत है हमारे लिए उसमें नसीहत है वाली नामबलामुबीन जी जी किसी भाई ने ये हाथ उठाया था वो फिर नीचे का दिया किसी का कोई सवाल हो तो वो हाथ उठा सकते हैं जी कोई स... है किसी का सवाल अगर हाथ का निशान नहीं मिल रहा तो वो अपने माइक को अनम्यूट कर लें और सवाल कर लें ना जी जी जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम हुज़ साहब वालेकुम अस्सलाम अच्छा सवाल ये है कि कुरान में जब जिक्र आता है बनी इसाइल का या यहूदियों का तो उन्हें तो ये कहा गया है कि अगर तुम दीन को फॉलो नहीं करोगे जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो तुम्हारे ऊपर जिल्लत आएगी और अगर करोगे तो तुम्हें अः एनमार दिए जाएंगे आज जब हम देखते हैं कि जहां तक यहूदियों का तल्लक है तो वो तो दुनिया में तो आज जो है ना वो दुनियावी अगर तो तरीके से देखा जाए तो वो तो दुनिया में आज राज उनका है उसके बाद अगर अब अगर मुसलमानों को देखें कि अगर जो अल्लाह ताला का दीन जहां पर मुकम्मल हुआ है तो वो उम्मत तो हम है और हम ये दावा करते हैं कि हम हक पर हैं हम अल्लाह के अहकाम को पूरा करते हैं तो अगर हम वो हैं तो फिर हम पर जिलत क्यों है और आ, उन पे क्यों नहीं है आ जी पहली चीज तो ये है कि पहले तो इसको समझा जाए ये जो आ, मसला है यहूदियों वाला कि यहूदियों पे जो अल्लाह सुबह मत ने उनको अजाब दिया है उसकी अल्लाह सुबहानी ने शकल ये रखी है कि इन पे अजाब आता है तंगी रसवाई आती है फिर अल्लाह सुबहान इनको निजात देते हैं और फिर इनको दोबारा नए सिरे से सबक सिखाया जाता है तो ये एक अजाब की सख्त शक्ल है इसका अः सूर आल इसरा में अल्ला ने तस्करा किया है यहूदियों के बारे में कि इन पे अटैक होता है इन पे बड़ी सख्त जिल्लत और मस्कनत आती है फिर ये संभलते हैं फिर अपने आप को रिकवर करते हैं उसके बाद फिर आता है तो ये एक समझें कि जब मुस्तकिल जिल्लत या अजाब होता है तो उसका इंसान आदि बन जाता है तो इन पे अजाब की जो एक शक्ल ऐसी है कि अजाब इन पे नरम होता है इन पे आसानी होती है फिर इन पे बड़ी बुरी तरह पकड़ आती है तो ये उस विश सर्कल में वो तो चल रहे हैं ये तो उस चीज का जवाब है कि उनके हालात आजकल अच्छे क्यों नजर आ रहे हैं इसलिए कि जब हालात अच्छे होंगे और अच्छी सारी मीशत अच्छी होने के बावजूद जब अल्लाह की तरफ से दोबारा अजाब और रगड़ा लगेगा तो वो अजाब ज्यादा बुरा बुरी तरह अफेक्ट करेगा बजाय इसके कि एक शख्स पहले ही जिल्लत खानदानी जिल्लत में चला आ रहा है उसके लिए तो एक वो रूटीन बन जाएगी तो अल्लाह सुबह वाला की पकड़ इन पे इतनी शदीद है बाकी जो मुसलमानों पे जिल्लत है उसकी वजह ये है कि हम ये दावा कर नहीं सकते एज उम्मत एज अ होल हम अल्लाह के दीन पे सही तरह से अमल नहीं कर रहे अब अगर हम यही देखें कि अल्लाह पे हमारे ईमान का आलम क्या है हम लोगों में से अगर अरबों की तादाद में मुसलमान हैं कितने शायद आधे आधे से ज्यादा ऐसे हों के जो ब्रा नाम मुसलमान है कलमा तक न आता हो कलमा अगर आता है तो दीन का पता ही नहीं मसाइल का नमाज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफर किया साहबा के बारे में आता है कि नमाज के अलावा किसी और अमल के छोड़ने वाले को वो काफर नहीं समझते होते थे लेकिन नमाज जो नहीं पढ़ता था वो कहते थे कि ये ये तो इस्लाम छोड़ गया जब बादशाह के खिलाफ बगावत की बात आती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना मर्जी मुसलमान तुम पे कर ले जब तक वो नमाज की पाबंदी करता है नमाज पढ़ता है उस वक्त तक उसके खिलाफ बगावत ना करो यूनि कि नमाज को इतना बुनियादी अमल शरीयत में समझा गया अब हम देख लें कि हमारे कितने मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं तो इसलिए एज अ होल मुसलमान भी अल्लाह हमें माफ करे और हमें इस जिल्लत से बचाए के बनु इसराइल की तरह इन्होंने भी तबाही फेर के रख दी है शरीयत की और शरीयत की नाफरमानी करने की यही देख लें कि यहूदियों ने निज़ाम उस वक्त भी शुरू किया था अभी वो चला रहे हैं सूद का निज़ाम लेकिन मुसलमान भी सारे के सारे उसी निज़ाम में पड़े हुए हैं सारे मुसलमान ममालिक निजाम में शामिल है तो इसलिए ओवरऑल उम्मत के तौर पे दुनिया की मोहब्बत जिसका अल्लाह के नबी ने तस्करा किया था कि तुम लोगों पे जिल्लत आएगी तादाद तुम्हारी कम नहीं होगी बल्कि दिनों में वहन होगा वहन क्या है कि हब्बु दुनिया व कराहियतुल दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत और मौत का डर तो मुसलमानों में चूंकि ये सारी खराबियां आ चुकी हैं इस वजह से मुसलमानों पर यह जिल्लत है और ये ज़िल्लत अल्लाह सुबान मताल की जो तरफ से जो मुसलत करता है ये कोई ऐसी चीज नहीं जो समझ में ना आए के, के जी मुसलमान तो बड़े नेक काम कर रहे हैं ये बड़े अच्छे तरीके से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और फिर उन पे ये ज़िल्लत है मुसलमान एज अ कह लें कि नेशन एज एज uh, uh, एक उम्मत के मजमू तौर पे इनका अमल जो है वो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक नहीं है जी एक और भाई ने हाथ उठाया था हम्म ब्रदर कमरेज ने हाथ उठाया था उनका है कोई सवाल जी भाई जावेद कोई और सवाल है जी जकल्लाह हर आप सब और तो कोई सवाल नहीं है और जकल्लाह हर ठीक है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मंडे को अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह ان شاء الله جزاك الله اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام عليكم.